बाएं तरफ निगाह दौड़ाएंगे तो बाएं साइड से बिल्डिंग की जानिब से तीन मुसल्ला डाकू एक गांव में मुख्तलिफ वारदातें करके एक महफूज एरिए की तरफ जा रहे हैं। इसी दौरान गांव वालों और डाकू के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हो गया है। इसी फायरिंग के तबादला के दौरान डाकू एक महफूज मकान की तरफ बढ़ रहे हैं और मोर्चा संग हो गए हैं। इसी दौरान पुलिस का एक दस्ता जो इसी इलाका में मामूल की गश्त पर था फायर की आवाज सुनकर फायर एंड मूव की पोजीशन में बिल्कुल आपके सामने मौजूद खवातीन हज़रात गैंग ड्रेस पहने हुए मुख्तलिफ टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए आगे की जगह पड़ रहे हैं। कमांडर ने मूव का आदेश दिया है। डाकू को इंगेज कर रखा है और टीम भी इसी इंगेजमेंट का फायदा उठाते हुए डाकू की कमी गा की जाने बिन कहा मुस्तदी के साथ आगे की जाने फायर एंड मूव की पोजीशन में पड़ रहे हैं। इसी दौरान कमांडर ने फायर चीफ का आर्डर दिया है। दहशतगर्दों ने हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है जिसे बचने के लिए मुख्तलिफ फील्ड टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए आगे की जाने पड़ रही है। इसके साथ ही हमारी टीम ने मुसलसल डाकुओं को एंगेज कर रखा है। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हो गया है। हमारी टीम भी मुसलसल मुख्तलिफ फील्ड टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए आगे की जाने बढ़ रही है। कमांडर ने ऑर्डर दे दिया है और हमारी टीम भी टिपिकल डाकू के सर पर हमारी टीम भी फौरी तौर के ऊपर दुश्मन के कमी गा पे चढ़ दौड़ी है। मौजूद खवातीन और हजरात एक डाकू जख्मी हालत में और दो को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। टीम ने फौरी तौर के ऊपर इलाके में पहुंच को कॉर्डन कर लिया है और इस वकूआ की इतना फौरी तौर के ऊपर अफसराने बाला को दी गई है।